है। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पर रोका था हम वहां से आगे शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वीडमैन फ्रेंच लॉ क्या होता है। तो काफी पुराना लॉ है, कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं आज के दौर में, लेकिन मालूम हो तो क्या बुराई है। ठीक है, वीडमैन फ्रेंच लॉ। तो मैंने आपको अभी बताया था मेटल्स के लिए है ये, कि मेटल्स में थर्मल एनर्जी का फ्लो हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, दोनों के फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट है। तो जिसमें जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी भी फ्लो होगी और इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई फिर किसी भी मेटल के लिए। तो यस सर, यस सर। इसका जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं एक बार। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए जो द रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी कल हम लोगों ने इसमें देखा था, इसको हमने ट्रप्पा से दिखाया, नॉर्मली इंडियंस के से दिखा देते हैं, तो के ही लिख लो भाई, अपॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये आपने अभी नहीं पढ़ा वैसे, 10th में था जी ऐसा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बच्चों सिग्मा से दिखाते हैं। तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये है। तो इसका मतलब है के अपॉन सिग्मा प्रोपोर्शनल टू टी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और के अपॉन सिग्मा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कॉन्स्टेंट लगाएंगे जो भी लिखना चाहें। तो टेप और ट्रप्पा मतलब थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, इस बात को समझिए। जो लेफ्ट साइड इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये दोनों का रेशियो भी बढ़ जाएगा, ये वाला। तो आपके लेवल पे इतने ही एलिमेंट्री चीजें पर्याप्त हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा होता है। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन इन सब बातों पे आप कॉलेज लेवल पे जब पहुंचेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये केवल इंट्रोडक्शन है। वीडमैन फ्रेंच लॉ ये समझ में आ गया है। तो सरल शब्दों में यस आप सर, कहेंगे, आप कभी किसी ने पूछा कि जानते हैं आप लोग वीडमैन फ्रेंच लॉ, तो आप कहेंगे हाँ जनरली ये मेटल्स के लिए है, और जो मेटल थर्मल कंडक्टिविटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, एंड वाइसी वर्सा, मतलब जो बुरे होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के कंडक्टर वो इलेक्ट्रिसिटी के भी बुरे कंडक्टर। अगर ये सब क्लियर है तो अब मैं कंडक्टिविटी के एप्लीकेशंस बताना चाहूंगा आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यस चलिए ठीक है, कुछ कंडक्टिविटी के एप्लीकेशन सीखते हैं बच्चों। अच्छा एक बात बताओ यार, जाड़ों में हम सुबह सुबह एक ठंडा मौसम जैसा आजकल हो ही रहा है, आपके घर के बाहर एक आयरन का पीस पड़ा हुआ है और एक लकड़ी का वुड, कोई सुबह सुबह
किसको हाथ लगाने में ज्यादा परेशानी होगी हमको? आयरन। आयरन हमें ठंडा लगेगा ना एकदम, इसे हाथ लगाते ही बहुत सुबह तो जाड़े में लगेगा ना, ये बहुत ठंडा लगेगा। और इसके मुकाबले लकड़ी पकड़ने में कम परेशानी होगी? अच्छा, रात भर दोनों बाहर थे, सेम टेम्परेचर पर रखे हैं, तो बच्चों मुझे बता सकते हो कि सुबह जब आपने ये दोनों को टेस्ट किया तो कम टेम्परेचर किसका होगा या ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? आयरन का कम होगा। अच्छा, अब बेटा दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। एट सिचुएशन में दोनों रखे हैं, एनर्जी लॉस दोनों का बराबर हो गया, अब दोनों सेम टेम्परेचर पर। आप कहेंगे सर सेम टेम्परेचर पर हैं तो लकड़ी को, कोई चीज लकड़ी से बनी है तो, या इंसुलेट, लकड़ी से मेरा मतलब इंसुलेटर से, उसे पकड़ने में तो कम परेशानी होती है, लेकिन कोई मेटल सुबह सुबह पकड़ना पड़ जाए, बाप रे गजब हो जाता है, ठंडा बहुत लगता है। तो बच्चों वो टेम्परेचर का खेल नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी का रोल है। किसका रोल है? थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी का रोल है। ध्यान से, लोग इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, भाई मेरा ये हाथ है, मेरी उंगलियां हैं, हाथ में कुछ एनर्जी, बॉडी टेम्परेचर तो आपको मालूम है ना 98 फारेनहाइट के आसपास होता है, 98.6 जो भी है हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। जो ही मैंने इसको आयरन पे टच किया हाथ को, ध्यान से समझिए, हमारी बॉडी कंडक्टर है या नहीं, करंट लगता है हमको? यस सर। तो हमारी बॉडी अच्छी कंडक्टर है ना, अच्छा खासा करंट लग सकता है हमको तो। और जो ही बच्चों हमने एक दूसरे कंडक्टर को टेस्ट कर दिया, मतलब आयरन को टेस्ट कर दिया, थर्मल एनर्जी का फ्लो, जो थर्मल कंडक्टिविटी काफी अच्छी है, थर्मल एनर्जी का फ्लो बहुत तेज हो जाता है, एनर्जी का फ्लो बहुत तेज हो जाता है तो हमारी एनर्जी एकदम बहुत ज्यादा चले जाती है, तो एकदम हमारे हाथ की एनर्जी बहुत कम बची रहती है, तो हमें एकदम ही ठंडा लग जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई बात? यस सर। अगर आप यहीं पर लकड़ी को पकड़ लें दूसरे हाथ से सुबह के टाइम पर ही, सोचिएगा तो ठंडा तो लगेगा, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब आप समझाइए। क्योंकि जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी कम होगी वुड की। हाँ, वो नाम मात्र की होगी, इंसुलेटर हुआ वो। यस सर। तो एनर्जी हमारे हाथ से फ्लो बहुत कम होगा, समझ में आया? यस सर। तो मैं फिर कह रहा हूं, कोई मेटल और कोई इंसुलेटर अगर सुबह सुबह ठंडे में आपको मिलता है तो आप ये नहीं बताएंगे कि टेम्परेचर कम ज्यादा है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बेस पे। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, एयर बच्चों ऑलमोस्ट इंसुलेटर होती है। एयर क्या होती है? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कह रहा हूं, 100% तो नहीं, व्यावहारिक तौर पर आप मान सकते हैं इंसुलेटर होते हैं एयर, ठीक है। तो कहीं पर अगर कोई वायर खुला भी हो तो मैं इतनी दूर खड़ा हूं तो करंट लगता है मुझे? नहीं लगता ना, जब बीच में तो एयर है ही। अरे एयर में करंट आता तो गजब हो जाता यार, पानी में जैसे आने पर तो बड़े परेशान रहते हैं हम, लेकिन हवा में आने पर बच जाते हैं। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. अच्छा बच्चों, वूलन जो होते हैं वो भी इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. जो, तो अब आप यहां पर समझिएगा, हम जाड़ों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, और अगर कोई नया स्वेटर बना होता है तो नए स्वेटर और पुराने में क्या अंतर होता है, या नई रजाई में और पुराने में क्या अंतर होता है, समझिए। जैसे नई रजाई होती है क्विल्ट, तो नई रजाई में बच्चों जो रुई होती है वो फूली हुई होती है, और बीच में उसमें अच्छी खासी एयर ट्रैप होती है, हवा फंसी होती है,
दोनों ही इंसुलेटर हैं तो अच्छा खासा इंसुलेटर की लेयर बनी होती है, तो नई रजाई के साथ खूब गर्म होता है। अब हम रजाई को कुचलते रहते हैं धीरे धीरे, 3-4 साल के बाद बच्चों उसी रजाई में जाड़ा होने लगता है, क्योंकि हम वो रुई दब जाती है, रुई दबेगी तो जो एयर के बीच जितनी रुई पहले फैली हुई थी उसमें उतनी एयर फंसती थी, अब नहीं है ना, अब तुमने पिस्टा के यहां पहुंचा दिया उसको, तो उसी पुरानी रजाई में ठंडा लगने लगता है। उसका इलाज यही है कि रुई को फिर दो, उसकी धुनाई होती है और नया दोबारा फिर नई रजाई बनती है। सुना है ऐसा? यस। हाँ, तो पुरानी रजाई में ठंडा लगने लगता है। क्यों लगता है, सब लोगों को क्लियर है? हाँ, तो यार ये भी समझ में आ गया होगा, किचन में कई जो खाना बनाते हैं उनमें जो बर्तन में हैंडल होता है वो क्या बना होता है, जिससे इंसुलेटर होता है, नहीं? यस सर। इसे इसे तो समझाने की जरूरत भी नहीं है फिर। और ये वाला जो बर्तन होगा ना, ये ऐसे मेटल का बनाते हैं हम ज्यादातर, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, और हैंडल एक्स्ट्रा बनाते हैं जिसका कंडक्टिविटी मिनिमम हो ताकि हाथ ना जले। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आजकल बच्चों एनर्जी एफिशिएंट हाउस से इसके बारे में बात होती है, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए हाउस। तो बच्चों होता क्या है उसमें कि जो दीवारें होती हैं वो 8 सिंगल ईंट की बनती है, बीच में थोड़ा गैप होता है, और फिर 8 दीवार ऐसे डबल दीवारें होती है, डबल वॉल होती है, बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो अब ये ईंटें भी इंसुलेटर हैं ऑलमोस्ट, इनमें करंट थोड़ी आता है सूखी ईंट में, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, और बीच में एयर गैप है। ये एयर गैप की वजह से अंदर की एनर्जी बाहर, बाहर की एनर्जी अंदर नहीं जा पाती, तो ऐसे घर एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। बाहर बहुत गर्मी भी होगी तो अंदर उतनी गर्मी नहीं होती। कभी अगर नया डिजाइन का घर बनाना हो तो डिजाइन विजाइन पे मत जाइएगा, दीवारें सिंगल ईंट की 2 बार बना के बीच में एयर स्पेस छोड़ दीजिए, आपको एसी या कूलर चलाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, एनर्जी एफिशिएंट, केवल एयर का, एयर लेयर बहुत काम करती है। इसलिए बच्चों जाड़ों में 1 मोटे कंबल के मुकाबले 2 पतले कंबल ओढ़ना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एयर लेयर बन जाएगी। आप 2-3 चादर ओढ़ लें, कंबल ओढ़ लें, तो ये आपको इतनी सारे लेयर बना देगा, तो जितनी ज्यादा लेयर होंगी आप उतने गर्मी महसूस करेंगे उसमें किसी भी चीज में, तो एयर लेयर इंसुलेटर का काम करती है। मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा था थर्मल कंडक्टिविटी का रोल, वो समझ में आ गया या नहीं आया? तो आ गया। थर्मस में भी यही होता है बच्चों, होता क्या है बच्चों, जो सरफेस जितनी स्मूथ होगी, याद रखिएगा स्मूथ, उससे एनर्जी उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है। तो थर्मस के अंदर की साइड में इतनी पॉलिश होती है, इतना चमकदार की एनर्जी जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर नहीं जा पाती, और थर्मस में एक बीच में एयर गैप भी होता है तो एनर्जी बाहर नहीं जा पाती, तो थर्मस में चीजें गर्म की गर्म या ठंडी ठंडी काफी हद तक रह जाती हैं काफी देर तक। तो लेकिन बच्चों कोई भी सरफेस जितनी स्मूथ होगी वो चूल्हे में मत रखिएगा कभी, क्योंकि नीचे से बर्नर गैस है, अगर जो बर्तन है इसका तला जो है वो स्मूथ होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। आपको ये बर्तन का तले वाली सरफेस ऐसी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व करे, तो रफ सरफेस ज्यादा बेहतर है, रफ सरफेस जहां पर गैस टच हो रही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, आप लोगों ने कई सारे होटल में देखा होगा बच्चों कि राख से या लाल वाली मिट्टी से जो बड़े बड़े भगोने होते हैं, बर्तन होते हैं, डेट होते हैं, उनको लाल मिट्टी से पोते रखते हैं दुकानदार, बढ़िया लगते हैं वो दूर से, होटल में दाल चावल बनाया होगा, देखा ऐसा कभी? Yes, sir. अच्छा, अरे बाकी लोगों ने नहीं देखा भाई ऐसा कभी? अच्छा, आप अपने दादी लोगों से पूछना, मेरी माँ भी करती थी, मैंने देखा है बच्चों, वो लोग क्या करते थे, पतीली में चावल बनाने से पहले पहले पीतल की पतीली में पकाते थे, गांव में बाहर से राख लपेटते थे, गीली राख होती थी,
गीली राख बाहर से बर्तन के चारों तरफ, और उसके बाद फिर सूखी राख छिड़कते थे, सरफेस हो जाती थी रफ, अब रखते थे चूल्हे में। आज समझ में आता है कि ऐसा क्यों करते होंगे, ये हाईली एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है और आज हमें चमकदार बर्तन चाहिए। हम लोग नहीं समझते कि ज्यादा चमकदार रिफ्लेक्टिंग होता है बहुत ज्यादा, तो जो कम से कम जो बर्तन का तला होता है जो गैस के कॉन्टेक्ट में आता है वो रफ होना जरूरी है, वो एनर्जी एफिशिएंट होगा। बच्चों इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, तो आज अपने घर में ना अपने पेरेंट्स से या उनसे पहले वाली पीढ़ी आसपास उनसे पूछिए कि ऐसा करते थे अब क्यों नहीं करते, ये बहुत बेहतरीन सिस्टम है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं जाएंगे स्पेशली पहाड़ों में तो आपको ऐसा मिलेगा। तो अभी इसको इतना ही करते हैं, ये आपके थर्मल कंडक्टिविटी का रोल हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कल हो सकता है मैं सुबह सुबह पढ़ा दूं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको डाल दूंगा, आप देख लेना एक बार शेड्यूल कल का, हो सकता है मैं कल सुबह पढ़ा सकूं दूं आपको। तो प्लीज आप कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल कंडक्टिविटी, फिर उसके बाद हम लोग कंडक्टिविटी के बाद ये थर्मल कंडक्टिविटी पूरी हुई, कंडक्शन पूरा हुआ, हम लोग जाएंगे कन्वेक्शन पे। उसके बाद कंडक्शन क्लियर हो गया या नहीं? यस सर। चलो ठीक है, फिर अभी इतना ही करते हैं, अब फिर 5 मिनट का वो करके तब तक मैं इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग मैथ स्टार्ट।